कोरिया जिले के डोमन हिल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रघुनंदन यादव के तत्वाधान में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में चल रहे भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार को चुनौती देने का काम किया गया। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के वादे केवल घोषणा पत्र में ही नजर आ रहे हैं। उसी के विपक्ष में भाजपा सरकार के द्वारा चिरमिरी के डोमन हिल बाजार में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेश सरकार ने चुनाव से पूर्व किसानों को 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के पश्चात आज तक यह वादे केवल घोषणा पत्र में ही सिमट कर रह गए हैं। इसी को देखते हुए गरीब किसानों के प्रति उदार भाव रखने वाले भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के प्रति अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। किसानों को उनकी हक दिलाने की बात भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर संकेत कर दिया गया। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो भाजपा के कार्यकर्ता रायपुर में जाकर धरना प्रदर्शन कर उनके द्वारा घोषणा पत्र में लिखे गए घोषणा को याद दिलाएंगे। डोमन हिल ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे मंडल स्तर में जो भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आने के लिए अपने हाथों में गंगा जल रखकर गंगा माता की जो सौगंध खाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वोट लिया है, आज उन्हीं किसानों को 2500 रुपये धान खरीदने से मुकर रही है। आज किसानों के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ डोमन हिल के टैक्सी स्टैंड में की है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त हुआ है।